सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन में टोटल 8 वीडियो अपलोड की और बहुत थोरली हमने बात की। हम लास्ट जो वीडियो लेके आए उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्पोजल ऑफ एसेट, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिस्पोजल ऑफ एसेट यानी कि अगर सेल ऑफ एसेट होता है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर WDV हो तो SLM हो तो, ये सारी बातें When provision is not maintained, इस टॉपिक पे हमने लास्ट वीडियो बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट या डिस्पोजल ऑफ एसेट अंडर WDV अंडर SLM जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे आप लोगों को हमने लास्ट तक बताया था, मैं फटाफट रिकॉल करता हूं कि कोई भी बिजनेस बहुत बार क्या होता है, एसेट को पूरा यूज करता है। दैट मींस एक बार परचेस किया उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म होने तक एसेट को यूज करता है। बहुत बार बीच में हम एसेट को सेल कर देते हैं। तो अगर बीच में एसेट को सेल करते हैं तो हमें जानना होता है कि भाई ये जो एसेट हमने सेल किया उसमें हमें प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ, नंबर वन। नंबर टू, इसकी एंट्री एंट्री कैसे पास करें। तो जैसे मैंने बताया, अब जब हम एसेट सेल करेंगे तो दो अगेन सिचुएशन हो सकता है, या तो कंप्लीट एसेट सेल कर दें या ओनली वन पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड हो। अगर कंप्लीट एसेट सेल कर देंगे तो एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और अगर कंप्लीट एसेट सेल नहीं कर रहे हैं, ओनली वन पार्ट सेल कर रहे हैं, तो एसेट अकाउंट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे हुआ देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ एसेट लेंगे जिस दिन एसेट परचेज किया गया था। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड जिस दिन एसेट परचेज किया था, ध्यान सुनो। मान लो 1/4/2018 को, 1/4/2018 को हमने 6 लाख में एक एसेट परचेज किया और पूरा का पूरा एसेट 31/3/2021 को बेच दिया। कब परचेज किया? 1/4/1 April 2018 को परचेज किया। सेल कब किया? 31/3/2021 को। तो यहां पर जो हम वैल्यू लिखेंगे पूरा का पूरा 6 लाख लिखेंगे और डेट कौन सा डालेंगे, 1/4/2018 डालेंगे। मान लो हमने सिर्फ 1/3 एसेट को सेल किया तो यहां पर कितना वैल्यू लिखेंगे, 6 लाख का 1/3, यानी कि यहां पर हम 2 लाख लिखने वाले कंप्लीट लिखने वाले नहीं है। ओके, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ purchases to date of। अब जिस दिन हमने asset purchase किया उस दिन से लेके जिस दिन asset sell कर रहे हैं उस दिन तक का deduction total काट दें, जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे WDV या book value as on date of sell। लेस कर देंगे सेल प्रोसेस, यानी जितना भी हमारा एसेट बिका इसको सेलिंग प्राइस ही बोलते हैं या सेल प्रोसेस बोलते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो हम उसे लॉस मानेंगे, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो हम उसे प्रॉफिट मानेंगे। ओके, अब अकाउंटिंग सेल में क्या होगा, एक तो प्रॉफिट लॉस निकालना सीखा हमने, दूसरा इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। तो एंट्रीज कैसे होगी देखो, सबसे पहले उस ईयर में जितना दिन एसेट यूज हुआ से, अगर मान लो हो सकता कि एसेट ईयर के एंड में बिक गया तो पूरा साल यूज हुआ, पूरा डिडक्शन जैसे करते हैं एनालिसिस कर लेंगे फिर उसकी एंट्री पास कर देंगे। पॉसिबल है कि पूरा साल एसेट यूज ना हुआ हो, बीच हमने एसेट को सेल कर दिया। तो अगर हमने एसेट को सेल कर दिया 6 मंथ्स बाद तो ईयर के एंड में डिडक्शन चार्ज होता है, अभी तो इस साल का डिडक्शन चार्ज नहीं हुआ होगा, हमें वो चार्ज करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट ऑफ सेल बताया उस पार्टनर ईयर में। एग्जांपल 1/4/2018 तुमने एसेट परचेस किया, 1/10/2021 को एसेट को बेच दिया, तो 18/19 पूरा चार्ज हो चुका होगा, ईयर अकाउंट क्लोज हुआ होगा, 19/20 हुआ होगा, 2021 में भी हुआ होगा, और 21/22 में यानी कि जिस साल बिक रहा है सिर्फ 6 महीने एसेट यूज हुआ तो 6 मंथ का एसेट डेडक्शन चार्ज कर देंगे। एंटी क्या हुआ, क्योंकि हम प्रोविजन मेंटेन करने वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एंटी होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम
डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते तो एनडीए क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट होती है। फिर जो एसेट हम सेल कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का डेप्रिसिएशन हमने एसेट में क्लोज एसेट में क्रेडिट किया नहीं, एसेट से काटा नहीं है, लेकिन अब एसेट बिक रहा है तो ये हमको काटना पड़ेगा। यानी कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने एसेट जमा करके रखा है उसे हमें खत्म करना पड़ेगा बिकॉज एसेट ही बिक जा रहा है। तो वो सारा पार्ट जो एसेट बिका उसका जितना भी डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल जितना भी होगा उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्लोज करना कैसे, बाय क्रेडिटिंग द एसेट अकाउंट। तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब सेल प्रोसीड को रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी, हो सकता है प्रॉफिट बिका हो सकता है लॉस बिका हो। प्रॉफिट बिका हो तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट एंड प्रॉफिट और लॉस को नीचे क्रेडिट कर देंगे टू गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बोल के। अगर लॉस बिका तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। यहां पर कौन सा फिगर आएगा, तो यहां पर हम सेल प्रोसीड डालेंगे, यहां पर हम कॉस्ट डालने वाले हैं और यहां पर हम क्या डाल चुके हैं accumulated deduction, यहां पर हम क्या डालने वाले हैं cost, okay? जो profit or loss इस asset के sale पे हुआ उसे हम ultimately transfer करने वाले हैं profit loss account जो कि financial statement के अंदर बनता है वहां। अब एक number करके देखते हैं, ये हम number करेंगे जब provision maintained under SLM फिर solve करेंगे under WD में। तो पहले SLM solve कर लेते हैं, पहला हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट तो याद ही होगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट मशीनरी एंड ये तुम्हारा क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट। तो पहले हमने जब मशीन परचेज किया एंट्री क्या पास करेंगे टू बैंक 2,00,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज यहां तो होगा नहीं तो सिंपली बैलेंस कैरी ऑन कर देंगे डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होगा तो 31/3/2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अमाउंट 20,000। ओके फिर 1/4/2020 वही बैलेंस क्रेडिट डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा तो वही 2,00,000 जो मशीन का वॉशिंग कॉस्ट था बैलेंस कह रहा हूं और यहां पर 1/4/2020 बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन एंड इट कम्स टू 20,000। फिर इस साल का डेप्रिसिएशन 31/3/2021 में बाय डेप्रिसिएशन क्योंकि हम एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही होगा फिर 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस ऑन सेल। सबसे क्या पहले लेना है कॉस्ट ऑफ एसेट्स कब का 1/4/2018 जिस दिन हमने सॉरी 2/4/2019 जिस दिन हमने परचेस किया कितना परचेस किया था 2,00,000 में परचेस किया था लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 1920 एंड इट कम्स टू 20,000 तो निकला
WTP ऑस एज ऑन 1/4/2020 81 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2021 और ये होगा 18,20,000 क्योंकि SLM फॉलो कर रहे हैं तो निकला WDV 1/4/2021 को 61 और इस साल एसेट यूज हुआ है सिर्फ 6 months बिकॉज हम अक्टूबर में देखो मशीन को सेल कर देंगे तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 months and that comes to 10,000 WDV on date of sale 1/50 less selling price जो कि एक पीस दिया है तो loss on sale निकल गया 30,000 तो यहाँ पर इस साल के डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग कर लेते हैं 1/10/2021 बाय डेप्रिसिएशन अब देखो इसको क्लोज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन क्लोजर फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो ये क्लोज कितना हो गया 50,000 देखो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा मशीन बेच दिया फुल मशीन सेल किया इसलिए ये अमाउंट ब्रैकेट आपके यहाँ डालने से भी चलेगा कौन सा प्रोविजन का टोटल अमाउंट वहां डालने से भी चलेगा लेकिन अगर मान लो एक पार्ट सेल कर रहे होते तो क्या करते तो वर्किंग ऑर्डर आते और यहाँ जितना भी तुमको डेप्रिसिएशन दिखा जैसे देखो ये 20,000 दिखा ये 20,000 दिखा 40 और ये 20 दिखा 10/50 ये क्लोज करते हैं तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50 बाई कैश या बैंक 1/20 मिला और बाय लॉस 30 ये अपना क्लोज ये कब की एंट्री है 1/10/2021 की तो ये हमने सॉल्व किया किसमें अंडर SLM अब सेम नंबर सॉल्व कर देखते हैं अंडर WDV मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सेम बनता है तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट किसमें कर रहे हैं हम टॉपिक सेल या डिस्पोजल ऑफ एसेट व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन अंडर WDV तो सेम नंबर सॉल्व करते हैं 1/4/2019 को हमने मशीन परचेस किया तो मशीन अकाउंट पोस्टिंग क्या होगी टू बैंक और 31/3/2020 को क्योंकि मशीन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन नहीं डालने वाले इसलिए डायरेक्टली क्लोज कर देंगे और जो बैलेंस कैरेड ऑन था अगले साल वही ब्रॉड डाउन बनने वाला है तो डेप्रिसिएशन कहां डालने वाले हैं हम डेप्रिसिएशन डालने वाले हैं मशीनरी अकाउंट सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 20,000 पहले साल तो सेम ही होता है क्या सेम होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्लोज कर लिए वही 20,000 आ गया क्रेडिट साइड में भी और अगले साल यानी कि 1/4/2020 को जो हमारा कैरेडन था वो प्रॉडन बन जाएगा तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 22,000 प्रॉडन में अब इस साल का डेप्रिसिएशन कब 31/3/2021 को कितना निकलेगा तो बताया था आपको निकालने का तरीका स्पेशली इन WDV मेथड मशीन का ब्रॉडन जो कि हमारे एग्जांपल में देखो 200,000 है माइनस किसका ब्रॉडन प्रॉविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉडन देखो हमारे हमारे इस एग्जांपल में क्वेश्चन में 20,000 है तो 200,000 माइनस 20,000 जो बचा उसका 10% 81 का 10% कितना होगा 18,000 तो कैसे निकालेंगे क्या बताया एसेट का ब्रॉडन माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉडन
10 को हमने ये मशीन को बेच दिया, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल वर्किंग में आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट जिसे हमने परचेज किया, परचेज कब किया 1/4/19 को कितना में 2 लाख में, लेस डेप्रिसिएशन पहला कौन सा साल तो 19-20 का निकालेंगे वो निकलेगा 20,000 निकला WDV as on 1/4/2020 an amount comes to 18,000 less depreciation for 2021 180,000 का 10% निकालेंगे कितना निकलेगा 18,000 माइनस कर दिए तो निकला WDV as on 1/4/2021 कितना 1,62,000 less depreciation for 6 months क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर पे बेच दिए तो इसका 6 months का डेफिनेट कितना लगा 8,100 तो निकला WDV as on date of sale 1,53,900 कितना बेचा हमने सेल प्रोसीड या सेलिंग प्राइस हमने बेचा 1,20,000 में तो लॉस ऑन सेल आ गया 33,900। अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, तो पहला तो बाई बैंक जितना हमने बेचा यानी कि 1,20,000 बेचा बाई लॉस ऑन सेल 33,900 और जैसे कि प्रॉफिट रिलेशन पॉइंट आ जाते हैं तो 1/4/2021 को प्रॉफिट कितना था 38,000 था 1/10/2021 जो इस साल का डेप्रिसिएशन सेल निकला दैट इज 8,100 टोटल 46,100 टू मशीनरी अकाउंट 46,100। अब ये जो 46,100 है ये यहाँ जाएगा क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है। लेकिन जनरली यहाँ तो मैंने इसलिए डायरेक्ट डाल दिया प्रोजेक्ट प्रोडक्शन अकाउंट का अमाउंट टोटल अमाउंट वहां डाल दिया बिकॉज पूरा का पूरा मशीन सेल हो गया। लेकिन अगर एक पार्ट बिकता है तो ऐसा ना निकाल के क्या करना, ये जो है ना वर्किंग नोट में जहां जहां डेप्रिसिएशन आया जैसे कि 20,000, 18,000, 8,100 इनको प्लस करके डाल देना कौन से मशीन अकाउंट में। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन अंडर SLM अंडर WDV जब एसेट सेल हो। उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हुआ। तो लास्ट या नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे जब पार्ट ऑफ मशीन सेल होता हो और उसी दिन एक एसेट हम नया परचेस करते हैं। ओके, सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।